हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये देखिए ये हमारी रेडीमेड कुर्ती है। इसमें हम आस्तीन को कैसे अटैच करेंगे, क्योंकि जो हम रेडीमेड कुर्ती लाते हैं उसमें ये देखिए ये साइड में बॉर्डर बना होता है, तो इसमें हम जब आस्तीन अटैच करते हैं तो हम दूसरे तरीके से अटैच करते हैं, तो इसी को हम अटैच करना आप लोगों को बताएँगे। तो इसके लिए ये देखिए हमने आस्तीन इसकी रेडी कर ली है पहले से ही, और यहाँ पे ये देखिए कपड़ा कम पड़ रहा था, तो ये जो इसका यहाँ गोलाई से कपड़ा बचा हुआ था उसको मैंने जोड़ के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए हम एक आस्तीन को ले लेंगे और जो हमारा गहराई वाला साइड होगा वो हमारा आगे की तरफ आएगा। ये देखिए इस साइड को हम लेंगे और ये देखिए ये हमारा ये गहराई वाला साइड है, इसको हम इधर अटैच करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से उल्टा करके, जब हम नॉर्मल सूट में आस्तीन अटैच करते हैं इस तरह से हम अटैच कर लेते हैं, बट इसमें हमें ऐसे नहीं अटैच करना है इसको। तो ये देखिए इसको हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ से ये देखिए ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहीं पे हमें कट को मिलाना है। ये देखिए इस कट को हमें इस सेंटर से इस तरह से अंदर को मिला के इस तरह से रखना है, इसके अंदर से इस तरह से, और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से हमें सिलाई लगाना शुरू करना है, पर इस तरह से हमें रखना है, इस तरह से रखना है। यहाँ पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी आस्तीन भी सिलाई में आनी चाहिए, इस तरह से, इस तरह से रख के इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से सिला है हमने, अब इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिल लेना है। तो इसको हम इस तरह से घुमा के रखेंगे इस तरह से अंदर को, और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा ये देखिए खुला साइड भी है, आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर जो नहीं लगाना चाहते तो आप इस पर नहीं भी लगाइए, तब भी इसका लुक अच्छा लगेगा, बट इस पर मैं एक सिलाई और लगा दूँगी। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अब एकदम साइड से इस तरह से, और हम दूसरे कॉर्नर से हम एक सिलाई और लगा देंगे। ये देखिए इस पे हमने दूसरी सिलाई और लगा दी है, अब इसको हम उल्टा करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हम इसको उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया, अब यहाँ पे हम इसकी मोहरी का निशान लगा लेंगे जो कि है हमारा 7.5 इंच। ये देखिए 7.5 इंच यहाँ पे आ रहा, और यहीं से हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मिला के यहाँ सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हम डबल सिलाई भी लगा लेंगे थोड़ी सी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको बना लिया है, ये आस्तीन ये देखिए इस तरह से हमने अटैच कर ली है, और इसी तरह से हमने ये देखिए दूसरा वाला आस्तीन भी अटैच कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये दोनों हमारी आस्तीनें लग के रेडी हो गई हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।